सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं। पब्लिक रिएक्शन क्या है? चाचा साइड हो जाओ यार। इसके अब्बा का गार्डन है, तरह से ये पागल का बच्चा बीच रास्ता। ये देखिएगा इस पापा की परी लोगों को शाम का टाइम में देखिएगा इस कितना अच्छा लग रहा है इधर। सो हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कैब व्लॉग सीरीज में। गुड इवनिंग सभी को। और आज मैं निकला हूँ इवनिंग राइड पे और अभी मैं जा रहा हूँ गेतलसूद डैम जो मांझी में है। तो आज मैं अपने घर से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया हूँ, आज मैं अपने सेमा टोली वाले घर से व्लॉग स्टार्ट करके जा रहा हूँ रास्ते में। तो गाइज बताइए, पिछला व्लॉग आप सभी को अच्छा लगा? मैंने कमेंट देखा सभी का, सब ने बोला कि इतना डर डर के क्यों बोल रहे हो। लेकिन गाइज मैं डर के नहीं बोलता हूँ, ये हवा चलता है इसलिए ऐसा लगता है कि मैं डर के बोल रहा हूँ। सपोर्ट करें अपने भाई को, धीरे धीरे आवाज़ क्लियर हो जाएगा। थोड़ा विंड ब्लास्ट होता है ना, इसलिए लगता है कि डर कर आवाज़ निकलता है। मैं अभी CIP की तरफ हूँ, इधर से मैं मिलत कॉलोनी जा रहा हूँ काके का। मेरा व्लॉग आपको पसंद आता है या नहीं कमेंट ज़रूर करेंगे गाइज। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो व्लॉग पे, वीडियो एडिटिंग या वॉइस या कुछ भी, कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं उसको सही करने का कोशिश करूँगा। आप सभी के लिए तो इतना मेहनत कर रहा हूँ, बस आप सभी मेरे को सपोर्ट करते रहे। तो देखिए गाइज मैं अभी मिलत कॉलोनी की तरफ टर्न कर रहा हूँ इधर। ये देखिए गाइज, ये चाचा बांस लेकर जा रहे थे। थोड़ी सी भी गलती अगर मैं करूँगा तो मैं गिर सकता हूँ उसके वजह से। इधर से मैदान है मिलत कॉलोनी का, इधर मेरी नानी का भी घर है, तो मुझे अभी नानी घर की तरफ भी जाना है। इधर का रास्ता तो मेरे घर से भी ज़्यादा ही ख़राब है गाइज, देखिए बहुत ज़्यादा ही ख़राब है इधर। सो गाइज हम लोग निकल चुके हैं गेतलसूद के लिए। इधर से हम लोग मिलत कॉलोनी वाले रास्ता से ब्लॉक होते हुए निकलेंगे। आज ये मेरा दूसरा व्लॉग है गाइस और शाम का पहला व्लॉग राइड है। सभी टाइम पे शूट करने में मज़ा आता है, व्लॉग बनाने में थोड़ा अच्छा लगता है गाइस, लेकिन ये पब्लिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा ही अजीब लगता है। जब पब्लिक ऐसा देखते हैं लगता है कि कभी ऐसा देखे ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए गाइस, ये अभी काके ब्लॉक चौक का रास्ता है। पिछले व्लॉग में जैसा आप देखे होंगे गाइस कि मैं गया था पतरातू पे, मैं और यासिर गया था। और उधर मुझे पता भी नहीं था कि कैप्टन भैया मिलेंगे, लेकिन मेरा ड्रीम था कि मैं कैप्टन भैया से मिलूं, तो मैं कैप्टन भैया से भी मिल लिया। ये देखिए गाइस पब्लिक रिएक्शन, हल्का सा बस टॉर्च टेस्ट करता हूँ गाइस तो पब्लिक का रिएक्शन खतरनाक होता है। ये देखिए गाइस महान को कहाँ बीच में चला आ रहा है। और ये है काके का पराठा चौक जिसे हम वेटनरी भी बोलते हैं। इधर से फिर मैं निकलूँगा रिंग रोड, और रिंग रोड जाने के बाद फिर अपन निकलेंगे ओरमांझी, और फिर ओरमांझी जाने के बाद हम लोग गेतलसूद डैम जाएंगे। वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे गाइस, बस 10 से 15 मिनट वेट करेंगे और फिर उसके बाद वापस भी आना है क्योंकि शाम के 6 बज चुके हैं, आने में काफ़ी देर भी हो जाएगी। इसलिए इस तरफ का जो रास्ता है ये, इसे हम लोग ओचर पुल भी कहते हैं, यानी उसी ओचर का बीच का रास्ता जो होता है जाने वाला वही है। देखिएगा इस सामने में रिंग रोड का रास्ता दिख रहा है, उधर से ही राइट साइड जाना है और राइट साइड जाकर
वहाँ से फिर अरमान जी का रास्ता हम लोग पकड़ लेंगे। देखिए गाइस, इधर से मैं रिंग रोड चढ़ रहा हूँ, हाँ इधर से रिंग रोड चढ़ने के बाद फिर मैं गेट हाउस से पहले रास्ता में पकड़ूँगा। ये देखिए गाइस, ये कितना अच्छा शाम का माहौल है। अब मैं रिंग रोड चढ़ चुका हूँ गाइस, और इधर से अब अपने को जाना है गेट हाउस से पहले रास्ते पे। ये खतरनाक टर्निंग है गाइस, इतना खतरनाक टर्निंग है ना गाइस, थोड़ी सी भी गलती होगी चक्का स्किप करेगा तो गिर सकते हैं। आगे का नज़ारा देखिए गाइस, कितना अच्छा लगता है आगे का नज़ारा देखने में। देखिए गाइस, दो ट्रक चल रहे हैं बीच में, मुझे अपने साइड से निकलना होगा, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है गाइस बीच से जाने का। ऐसे छोटे छोटे ट्रक को ओवरटेक करने में निकलने में अच्छा लगता है गाइस, लेकिन बाकी ट्रक से निकलने का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। पता नहीं चलता है गाइस कि कब वो ट्रक किधर आ जाए। देखिए गाइस, हनुमान जी 18 किलोमीटर है, यहाँ से हमें हनुमान जी 18 किलोमीटर से जाना है। आज शाम भी अच्छा हो गई है गाइस, शाम के टाइम में गाड़ी चलाने में भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप सभी गाइस को यामाहा MT-15 पसंद है गाइस, तो वीडियो को लाइक करें, और अगर इसकी रिव्यू भी आप लोग अगर चाहेंगे तो मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा। तो कमेंट ज़रूर करेंगे गाइस कि यामाहा 15 की रिव्यू वीडियो बनाने, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा इसकी रिव्यू वीडियो बनाने का, ताकि आप भी अगर यामाहा MT-15 लेना चाह रहे हैं तो मैं बता दूँ तो आप लोग के लिए सेटिस्फाई हो जाए आप लोग कि कैसी है ये बाइक। कितनी अच्छी फीलिंग लग रही है गाइस इधर से गाड़ी चलाने में। यहाँ से और 15 किलोमीटर है और मांझी से लेफ्ट जाकर फिर हम लोग गेटल शूट जाएंगे। और मांझी 13 किलोमीटर और शाम का इतना अच्छा नज़ारा है गाइस, देखिए जी 13 किलोमीटर और फिर हमें हनुमान जी जाना है, और हनुमान जी जाने के बाद जैसे सुन में हम लोग कुछ बहुत रील बनाएंगे, थोड़ा अपने फैन फॉलोइंग को बढ़ाना है। आप भी सपोर्ट करें गाइस मुझे, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं और मैं भी थोड़ा आगे बढ़ सकूं फोटो ब्लॉगिंग पे। आप ही के सपोर्ट से तो हम आगे बढ़ सकते हैं गाइस, बिना आप सबके सपोर्ट के अच्छा नहीं ना है गाइस, बिना आप सबके सपोर्ट के आगे कैसे बढ़ेंगे। मेरे वीडियो को शेयर करेंगे जरूर से गाइस, मेरे साइट पे अगर राइट करना है आपको तो डिस्क्रिप्शन में और इंस्टा आईडी भी दिया हुआ है गाइस, इंस्टा पे मुझे फॉलो करके बोल सकते हैं कि अगर राइट पे आप सभी को जाना है तो मैं हमेशा आप सबके साथ राइट करने को रेडी हूँ। इंस्टा पे मुझे ज़रूर फॉलो करेंगे गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इधर से आपको लेफ्ट जाना है, यहाँ पे रास्ता बन रहा है गाइस, इसलिए हमें इधर से सीधे जाना है। कि इतना भीड़ क्यों है गाइस पता नहीं चल रहा, इतना भीड़ क्यों है, कुछ हुआ है क्या गाइस यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़। अच्छा यहाँ पे एग्ज़ाम है गाइस, आज कोई चीज़ का एग्ज़ाम है इसलिए सभी कैंडिडेट आए हुए एग्ज़ाम देने के लिए, इसलिए इतनी भीड़ है। यहाँ पे पब्लिक रिएक्शन अच्छा मिलता गाइस, लेकिन बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक था जिसके कारण से मैं कुछ नहीं किया, यहाँ पे करना सही भी नहीं था गाइस। ये सामने कार वाले चचा को देखिए गाइस कैसे चल रहा है पागल की तरह। ये सब रास्ता में थोड़ा आराम से ही गाड़ी चलाना पड़ता है गाइस, क्योंकि टू वे है और ट्रैक एक ही तरफ चलता है, पता चलते चलते ट्रैक भी दूसरी तरफ में आ जाते हैं। यार चाचा साइड हो जाओ यार,
और कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? यार तो मैं ज्यादा स्पीड में था नहीं, वरना ज्यादा स्पीड में रहता तो वो चचा को उड़ा देता मैं। वेरी डेंजरस। ये देखिएगा जी, ऑटो वाले भैया को पूरा धूम मचा ले जैसा लेफ्ट राइट करके चला रहे हैं। ये रांची है गाइस, ये रांची अपना शहर है, यहाँ के ऑटो वाले ऐसे ही चलाते हैं, जहाँ मन चलता है वहाँ चला देते हैं, कभी मन किया राइट की जगह लेफ्ट टर्न कर देते हैं, लेफ्ट की जगह राइट बिना इंडिकेटर दिए गाइस। इसलिए आप सभी भी ऑटो वाला के पीछे कभी भी ना चले, और अगर चल रहे हैं तो अपने सावधानी से चले, वरना ऑटो वाला के चक्कर में रहिएगा गाइस तो पता चला आप दूसरे साइड से गए हुए, ऑटो वाला को कुछ नहीं होगा। ये है हनुमान जी का बिरसा जू, ये है बिरसा एक्वेरियम, हजारीबाग जाने का भी रास्ता है, यहाँ से कुछ दूर के बाद हजारीबाग टोल गेट है, गेतलसूट डैम जाने वाला रास्ता में आ चुके हैं, और हमें इधर से राइट मोड़ना है, टू फॉल जाने का रास्ता भी इधर ही से है, सभी तरफ का राइट लेकर आएंगे गाइस आप सभी के लिए। आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहे कि मैं अच्छा अच्छा व्लॉग आप सभी के लिए बना सकूं, कर चुके हैं। वो देखिए गाइस कैसा रिएक्शन उनका है, टॉकिंग करने में गाइस बहुत अच्छा मज़ा आता है, पब्लिक रिएक्शन जो मिलता है ना गाइस, दिल खुश करने वाला रिएक्शन रहता है, इतना अच्छा रिएक्शन मिलता है गाइस पब्लिक से। देखिए गाइस कितना सही रिएक्शन मिलता है ये लड़कियों से। हाँ चाचा मुड़ जाइए चाचा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। देखिए गाइस चाचा के पास इंडिकेटर था नहीं, वो चाचा हाथ देकर मुड़ रहे हैं, पहले पीछे देख लेना चाहिए वो चाचा को कि गाड़ी आ रहा है कि क्या हो रहा है, तभी मुड़ना चाहिए, बिना देखे मुड़ेंगे गाइस पता चले वहाँ जैसे मेरे अलावा कोई ट्रक ही आ जाए तो उनको उड़ा के जा सकता था। ये देखिए गाइस कैसे ये टहल रहा, लग रहा है कि इसके अब्बा का गार्डन है। अभी 6:30 बज चुके हैं, अब बहुत ज़्यादा ही देर हो जाएगी गाइस जाने में। ये देखिए गाइस किस तरह से ये पागल का बच्चा बीच रास्ते में कार को मोड़ रहा है। तू चूतिया है क्या? ये देखिए गाइस पापा की परीलों को किस तरह से चल रही है, पता नहीं गाइस ये लड़कियां को क्या हो जाता है, हर जगह अपने घर का रास्ता को समझ के चलने लगती है। वुमेन हमें राइट मुड़ना है, ये देखिए गाइस कितना अच्छा नज़ारा है इधर, कितना अच्छा व्यू है गाइस, पेड़ के साथ का यहाँ पे हरियाली का मज़ा ले सकते हैं गाइस, और शाम का टाइम में देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है इधर, कितना अच्छा नज़ारा है गाइस। ये देखिए आप सभी भी गेतलसूट डैम आइए गाइस और इस तरफ का नज़ारा का मज़ा उठाइए। ये देखिए गाइस कितना सही नज़ारा है इधर, ये देखिए गाइस सामने में नज़ारा कितना अच्छा दिख रहा है, यही है गाइस गेतलसूट डैम का नज़ारा, ये है गाइस गेतलसूट डैम, और फाइनली हम लोग गेतलसूट डैम पहुंच चुके हैं। ये देखिए गाइस कितना अच्छा नज़ारा है गाइस, ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, कितना अच्छा नज़ारा है गाइस, ये देखिए गेतलसूट डैम का, गेतलसूट डैम से निकल रहे हैं, शाम काफ़ी हो गई है, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक रील शूट कर लूँ। देखिए गाइस मैं यहाँ पे रील बना रहा हूँ अपने गाड़ी का, अब टाइम हो गया है क्योंकि शाम के टाइम में यहाँ पे रहने नहीं देता है ज़्यादा देर तक। ये शाम का माहौल है,
और भी लोग आए हुए हैं इधर गाड़ी वगैरह चलाने के लिए। और यहाँ फोटो शूट चल रहा है गाइस, देखिए ये कुछ छपरी लड़कियाँ फोटो शूट करवा रही है, नहीं अच्छे तरीके से फ़ोटो शूट करवा रही है, वो भी बीच रास्ता में ऐसा बैठ गई, लग रहा है कि हाथ पैर टूट गया है। देखिए गाइस हम लोग इधर से रिंग रोड पकड़ चुके हैं और इधर से सीधे हम लोग घर जाएंगे। अब बहुत ही अच्छा नज़ारा पहले से काफ़ी अच्छा बना दिया है, आप लोग भी आकर यहाँ पे देखें कितना अच्छा नज़ारा है। आज शाम के टाइम ही आइएगा गाइस, शाम के टाइम का नज़ारा बहुत अच्छा था। सो गाइस शाम के 7 बज चुके हैं और मैं घर वापस जा रहा हूँ और अंधेरा बहुत ज़्यादा ही हो गया है गाइस, बहुत ज़्यादा ही अंधेरा हो गया है और इधर का गाड़ी किधर से आता है पता भी नहीं चलता है गाइस। देखिए तो चलिए गाइस मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में, आज का व्लॉग यहीं पे ओवर करते हैं। आज का व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को सभी में शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो ज़रूर करें गाइस, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए गाइस मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर।